नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए इन्फॉर्मेशनल वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पश्चिम रेलवे की एक महत्वपूर्ण ट्रेन है साबरमती एक्सप्रेस, जो कि अहमदाबाद से दो प्रमुख नगरों दरभंगा तथा वाराणसी को जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण ट्रेन है तथा इसका रूट रतलाम, नागदा, उज्जैन, मक्सी जंक्शन, गुना बीना होते हुए झांसी से कनेक्ट होता है तथा यह ट्रेन 4 दिन वाराणसी के लिए तथा 3 दिन दरभंगा के लिए चलती है। दोस्तों, यह ट्रेन लॉकडाउन के पूर्व ICF रेक से संचालित होती थी तथा हाल ही में इसका पश्चिम रेलवे के द्वारा जो 1 जून से 100 ट्रेनें संचालित होना है उस लिस्ट में इसका नाम भी था तथा इसको LHB रेक से चलाने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है तथा यह ट्रेन 1 जून से वाराणसी के लिए LHB रेक के साथ में चलेगी तथा दरभंगा के लिए 3 जून से LHB रेक के साथ में। दोस्तों, इस ट्रेन के इतिहास पर हम नज़र डालें तो हमें IRFCA जो वेबसाइट है, रेलफेन जगत की एक जानी मानी वेबसाइट है तथा यहाँ पर कई महत्वपूर्ण जानकारियों का संकलन हमें मिल जाता है, वहाँ से हमें इस ट्रेन के चलने के संबंध में केवल यह ज्ञात हुआ कि 1975 के आसपास में इस ट्रेन के चलाने की घोषणा रेल बजट में की गई थी। इस ट्रेन के चलने के वर्ष के बारे में पुख्ता जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है तथा हम कोशिश करेंगे कि पश्चिम रेलवे से हम यह जानकारी प्राप्त कर सकें। दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं आज साबरमती एक्सप्रेस के बारे में, इस ट्रेन के बारे में हम बात करें तो जो अहमदाबाद से वाराणसी की ट्रेन है वह अपनी पूरी यात्रा में 55 स्टॉपेज लेती है, जिसमें से प्रमुख स्टॉपेज हैं अहमदाबाद, नाडियाड जंक्शन, आनंद जंक्शन, छायापुरी वडोदरा, गोधरा जंक्शन, दाहोद, रतलाम, उज्जैन, मक्सी जंक्शन, रुठियाई, गुना, बीना जंक्शन, झांसी जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ चारबाग, फैजाबाद जंक्शन, अयोध्या जंक्शन, शाहगंज जंक्शन, जौनपुर जंक्शन और वाराणसी जंक्शन। वहीं दरभंगा के लिए हफ्ते में 3 दिन चलने वाली साबरमती एक्सप्रेस के स्टॉपेज वाराणसी वाली ट्रेन के जैसे ही हैं, केवल शाहगंज जंक्शन के बाद यह ट्रेन आजमगढ़, मऊ जंक्शन, बलिया, छपरा, मुजफ्फरपुर होते हुए समस्तीपुर से दरभंगा जंक्शन पहुंचती है। दोस्तों, पहले इसमें कुल 22 कोच थे, जिसमें 2 SLR, 4 जनरल, 1 AC 2 टीयर, 2 AC 3 टीयर के साथ 13 स्लीपर कोच थे, लेकिन जब अब यह LHB हो जाएगी तो इसमें 2 EOG, 1 AC 2 टीयर, 2 AC 3 टीयर तथा 12 स्लीपर कोच व 4 जनरल कोच सहित कुल 21 कोचों का कंपोजिशन इसका हो जाएगा। इसके लिए कुल 5 रेक की आवश्यकता थी, जिसमें से 5 रेकों को पश्चिम रेलवे द्वारा LHB से चलाने के लिए ऑफिशियल लेटर जारी कर दिया गया है तथा यात्रियों को आरामदायक सीटों तथा आधुनिक तकनीक से युक्त कोचेस में यात्रा करने की सुखद अनुभूति प्राप्त होगी। हमने कुछ समय पहले इस ट्रेन के LHB कोचेस मक्सी के पास स्पॉट किए थे, जिसके बारे में हमें रेलवे से जुड़े हुए मित्रगणों के द्वारा पता चला कि यह कोचेस साबरमती एक्सप्रेस तथा मालवा एक्सप्रेस के लिए आए हैं। इसके LHB से शुरू होने से पूर्व के हम ICF रेक की आखिरी छलकियां आपको दिखा रहे हैं, आनंद लीजिए तथा यह छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके हमें अवश्य बताएं तथा वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।